आज मैं आप सभी को एक बहुत ही कॉमन बीमारी जो कि चार में से एक आदमी उससे ग्रसित है, हाइपरटेंशन, यानी कि जिसे कॉमन टर्म्स में ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में कुछ अवेयर कराना चाहूँगी। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो कि ना ही सिर्फ हमारे हार्ट को बल्कि बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को जैसे कि किडनी, ब्रेन, इनको या हमारे जो हाथ पैर की नसें हैं इन सबको अफेक्ट करता है। और यह एक धीरे धीरे होने वाली बीमारी है जो कि धीरे धीरे प्रग्रेसित करती है, और इसको इग्नोर करने से पहले हमें जैसे लगता है कि बीपी की दवा खाने लगेंगे तो बीपी हो जाएगा। बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते हैं और बोलते हैं कि हम एक बार दवा शुरू कर दिए तो फिर ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि यह एक ऐसी बीमारी है, इट्स अ लाइफ स्टाइल डिज़ीज़, या एक क्रॉनिक डिज़ीज़ है। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक महीने दवा खा ली, अगर आपको सचमुच में ब्लड प्रेशर से आप ग्रसित हैं, एक महीने दवा खा ली तो फिर बाद में आपका बीपी पूरी तरह ठीक हो जाएगा, यह ऐसा नहीं है। बट उस एक दवा से आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स, अगर आप अपना बीपी कंट्रोल रखते हैं तो आपका ब्रेन, आपके हार्ट, आपके किडनी किस तरह से सुरक्षित रहते हैं, यह जानना ज़रूरी है, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हमें हार्ट एक कार्डियोलॉजिस्ट, एक नेफ्रोलॉजिस्ट, एक न्यूरोलॉजिस्ट, इन ये सभी लोग हम लोग चाहते हैं कि हमारे मरीज का बीपी हमेशा कंट्रोल में रहे, जिससे कि उसकी जो बीमारी है वो आगे ना बढ़े। तो बीपी कब कहा जाएगा, ब्लड प्रेशर की बीमारी कब कही जाएगी? अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 ऊपर वाला सिस्टोलिक जिसे बोलते हैं और नीचे वाला 90 जिसे डायस्टोलिक बोलते हैं, 140/90 से अमूमन ज़्यादा ही रहता है, तो आपको ज़रूर ब्लड प्रेशर की दवा खानी चाहिए अपने फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके। बीपी की दवा को खाना ही सिर्फ एक इलाज नहीं है, उसके साथ आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिज़ीज़ है, उम्र के साथ तो बढ़ती ही है, बट अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे तो आप इसको बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। उस लाइफस्टाइल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नमक का परहेज़। तो इसका नियम यही है, बहुत सारी किताबों में कुछ लिखा है, कुछ और बोलेंगे, कोई बोलेगा सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, लेकिन नियम यही है कि जो खाने में पड़ रहा हो उसके अलावा एक्स्ट्रा नमक ना खाएं। खाने को बेस्वाद खाने की ज़रूरत नहीं है, मगर एक्स्ट्रा नमक जैसे चटनी, पापड़, अचार, पैकेट के जितने भी नमकीन होती हैं, चिप्स होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा नमक की मात्रा होती है जो हमारे दिन भर के नमक की मात्रा को एक्सीड कर जाती है। तो इसका नियम यही है कि ऊपर से नमक ना खाएं। दूसरा है स्मोकिंग। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है, आप अगर स्मोक करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और अनकंट्रोल रहेगा और आपके दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करेगा, तो उससे बचें। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, तो चलते रहें। चलने से या वॉक करने से आपके मेंटल भी रिलैक्सेशन होता है, जिससे भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने में हेल्प होती है, साथ साथ ही फिज़िकल एक्सरसाइज के जो आपको बेनिफिट हैं वो मिलते हैं। और ब्लड प्रेशर की दवा को अचानक छोड़ना या किसी वजह से अगर आप नहीं खा रहे हैं तो वो कई बार, अगर आप पुराने ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो वो कई बार ख़तरनाक साबित हो सकता है, जिसे हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसी या क्राइसिस बोलते हैं, जो कि किसी किसी और वजह से हो सकती है। तो इसका ध्यान रखें कि अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और साथ में आपको सर में दर्द, चक्कर आना, आंखों के सामने कुछ अंधेरा आना या छाती में दर्द हो रहा है, तो ऐसे केस में तुरंत हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि यह एक तरह से हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो सकती है। तो इन सब तरीकों से जो कि मैंने अभी बताया, आप अपना अपने ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करें, अपने फैमिली में लोगों को अवेयर करें, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें, अगर वो ज़्यादातर समय ज़्यादा रहता है तो अपने डॉक्टर से परामर्श लें, दवा खाने के बाद भी अगर वो कंट्रोल नहीं हो रहा है ब्लड प्रेशर तो भी अपने डॉक्टर से परामर्श लें, और साथ में अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करके अपने सेहत को और ब्लड प्रेशर को दोनों को बेटर बनाएँ। धन्यवाद।